हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। तो आज हम लोग सीटेट का मैथ और साइंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ देखेंगे, जो एक क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक दिया गया है। 31 से 60 तक क्वेश्चन नंबर मैथ है, तो हम लोग मैथ देखेंगे सबसे पहले। और मैथ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ का एक्सप्लेनेशन करके बताएं, समझाएं, तो बहुत सारे मिस्टेक भी हो गए हैं। विद्यार्थी लोग थोड़ा हार्ड, कुछ लैंग्वेज मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उसका भी हम लोग डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, और मिला ये करेक्ट विश्लेषण के साथ आप लोगों को दिया जाएगा ये आंसर शीट। तो आप लोग इससे आंसर शीट मिला सकते हैं, कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बोल रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, तो बोला एक शिक्षक विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की त्रिभुजाकार कागज की कतरने वितरित करके उन्हें उन कोनों का योग ज्ञात किया जाता है। ज्ञात करने के लिए कोनों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की यह विधि क्या कहलाता है, तो यह शिक्षण की जो है खोज विधि कहलाएगा। शिक्षण की कौन सा विधि कहलाएगा, खोज विधि। ये तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 को कैसे बनाना, तो बहुत ही इजी मिला है इसका। हम बहुत सारे विद्यार्थी लोग फार्मूला भूल जाते हैं, लेकिन हम फार्मूला बताएंगे इसको। यूलर फार्मूला के द्वारा बनाते, यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, देखिए वी प्लस एफ माइनस ई इजिकल टू टू होता है। ये याद रखेगा जिंदगी भर। कैसे, तो जैसे देखिए भी भी कैसे बनेगा, ये भी प्लस एफ माइनस इजिकल टू टू है, ये यूलर फॉर्मूला। भी मतलब 22 पोजीशन पे आता है। भी कितने नंबर पोजीशन पे आता है, 22 नंबर पे आता है। फिर उसकी एफ एफ कितने नंबर पे आता है, 6। और ये कितने नंबर पे आता है, 5। तो देखिए पहले बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद छोटा, प्लस लिखना, फिर उसके बाद माइनस लिखना। तो ये मतलब कंडीशन था याद करने का। अब इसी फार्मूला पे रख देना है। भी आपको दिया गया, सारा फार्मूला यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे एक विद्यार्थी जो बनाया ये सही बनाया है। जैसे भी प्लस एफ माइनस इजिकल टू टू होता है, भी प्लस एफ माइनस इजिकल टू टू होता है, तो भी प्लस एफ माइनस इजिकल टू टू होता है। तो भी के स्थान पे आपको क्या दिया गया, एक्स दिया है, तो यहाँ पे एक्स रख दिया। एफ एफ के स्थान पे क्या दिया गया, एफ के स्थान पे 7 दिया गया, तो यहाँ पे 7 रख दिया गया। माइनस ई, ई के स्थान पे क्या दिया गया, ई के स्थान पे 15 दिया गया, तो यहाँ पे 15 रख दिया गया। इजिकल टू टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस ये 2 का 2 हो गया, ये माइनस 15 था इधर आके 15 हो गया, ये प्लस 7 था इधर आके माइनस 7 हो गया। 15 2 17 माइनस 7, तो एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान 10 आ गया। जैसे ही एक्स का मान 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का मान 10 आने के बाद आपको एक्स का मान 10 आ गया, तो एक्स का मान 10 आ गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे रख देना एक्स का मान 10 आ गया। एक्स का मान 10 आने के बाद, सॉरी एक्स एक्स का मान तो 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 × f, यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने दे दिया। 2 × f, 2 × f, f का मान 7 है, 3 × e का मान 15 दिया है, तो 7 × 14 प्लस 45, 14 × 45, और माइनस 4 × 10, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया 4 × 10, 4 × 10 40 हो गया। 40 45 में 40 गया 5 14 5 कितना हो गया, 1900। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लाइक भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है 36 कुछ विद्यार्थी किसी कुछ किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक 36 37 31 42 43 23 18 35 25 29 और 35 है। इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर ज्ञात करें। इन आंकड़ों के माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालते हैं ये सब संख्या को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 300 कितना आ रहा था, 336 आ रहा है, 366। ये सब संख्या को जोड़ देना है, यानी 366 आएगा, 366 बटा 12 संख्या, तो 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग दे दीजिए इसको, 12 से भाग दीजिएगा तो इसका 30.5 आ जाएगा।
और फिर बोला जा रहा है परिसर, परिसर 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 भी निकालने के लिए। तो परिसर किसे, निम्न संख्या 17 है, अब उससे सबसे बड़ी संख्या 25 है, सॉरी 42 है। अब ये दोनों को घटा देना, 42 में 25 को, 42 में 17 को घटा देंगे, 42 में 17 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 12 में 25 आ जाएगा, 38, 38.5 में 25.5, 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन नंबर 34 तो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनाना है। इसमें बोल रहा है 2x+5y का होल स्क्वायर माइनस 5 2x+5y माइनस 14 इक्वल टू 2x+5y p और फिर ब्रैकेट 2x+5y q दिया गया। तो इस तरह से जो दिया गया वैल्यू, ये वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे 2x+5y को क्या मान लेंगे, t मान लिए, मान लेते t, और ये 2x+5y को क्या मान लिए, t मान लिए। यहाँ पे t मान लिए, यहाँ पे देखिए पेंसिल से ये विद्यार्थी बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे सही से कर देते, यानी हमको मानना है इसमें, इसमें क्या करना है, मानना है। रुक जा अभी, ये 2x+5y, 2x+5y जो है, 2x+5y को t मानना है। उसी तरह से देखिए 2x+5y t, तो ये t स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है 5, ये मतलब t हो गया, तो 5t हो गया, इज -14 है, -14 दे दिया गया है, फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए 2x+5y, इसको मानना था 2x+5y को t मानना, तो t+p मानना, t+p, फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट देंगे 2y+5y, तो t+q हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग गुणनखंड करेंगे, 14 × t, तो 14 हो गया, 14 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 होता है, तो 7 7t में मैं +2t घटा देंगे, -7t में t2 -7t+2t -14 हो गया। आप क्या करेंगे, t2 -7t है, ये दोनों से कॉमन, सॉरी 2t को आगे लिखना पड़ेगा, 2t को क्या करना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, यहाँ 2t2, 2t2 यहाँ पे t2 -7t+2t -7 हो गया। अभी दोनों से कॉमन लेंगे तो एक और t-7 हो जाएगा, एक और t+2 हो जाएगा, यहाँ पे t+p हो गया, यहाँ पे t-q हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर कर देना, यहाँ पे कंपेयर कर देना, कंपेयर कर देना यहाँ पे बोली, तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा, p का मान -7 हो गया, और q का मान कितना हो गया, +2 हो गया, -7 + 5, -7 + 2, तो क्या हो गया, -5, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब जो है डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। बोला एक व्यापारी 12 पंखे को 24,000 में खरीदता है, प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, तो यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट पर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसे लाभ कितना हुआ। तो ये लाभ परसेंटेज, एक व्यापारी 12 पंखे को 24,000 में खरीदता है तो एक पंखे को कितना में खरीदेगा, तो 2,000, 12 से भाग देना 24 में, तो 2,000, एक पंखे को 2,000 रुपये में खरीदता है, वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रयमूल्य से 25% के अधिक पर अंकित करता है, यदि वह पंखे को 10% की छूट पर बेच देता है तो 10% की छूट पर बेच देता है, उसे कुल मिलाकर कितना परसेंट का लाभ हुआ, एक पंखे को 2,000 रुपये में बेच देता है, प्रत्येक पंखे को उसके क्रयमूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, वह पंखे को 10% की छूट पर बेच देता है, तो वो 25% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेना, 25 - 10 - 25 × 10/100, तो -25 में 10 हो गया तो 15 हो गया, 25 इसको डिवाइड करने 2.5 यानी 12.5 हो गया,
आप क्या करना है, 2000 एक पंखे का 2000 दाम था, इसका 2000 में 12.5 का परसेंटेज निकाल देना है। निकालेंगे तो 250 हो गया, एक पंखे पे 250 रुपए का डिस्काउंट देता है। तो ऐसे ऐसे 1200, 12 पंखे पे कितना डिस्काउंट देगा, तो 250 गुना 12 कर देना, 250 गुना 12 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, मतलब 3000 ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, तो बोला ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब ए माइनस बी प्लस सी, फिर प्लस ए प्लस बी माइनस सी, इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों को जब जोड़ेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + a - b, फिर इन दोनों को जब घटाएंगे तब उसके साथ आ जाएगा 2c बचेगा। अब यहाँ पे ए बी कट जाएगा लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4c, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोला जरा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं गलत बोल रहा, तो x² + 10x + 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि और सरल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है, ये बात सही है, के लिए ये नहीं होगा, गणित व्यंजक नहीं, गणित व्यंजक में प्लस माइनस चार अचर सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यदि 3 + 4 4 × 5 एक गणित व्यंजक है, ये गणित व्यंजक नहीं है, क्योंकि ये 230 हो गया, इसको सॉल्व करने में 230 हो गया, लेकिन ये गणित व्यंजक नहीं है, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुणन की संक्रिय गणितीय व्यंजकों को की जा सकती है, बिल्कुल सही है। फिर बोला अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो भावनात्मक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण बोला जा रहा है, तो गणित में शॉर्टकट खोजना, यही तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन गणित सूत्र समीकरण ये तो सही है, गणित में सूत्र का फॉर्मूला यूज होता है, दिन प्रतिदिन समस्या का समाधान करना ये भी सही है, यह समझाना कि गणित तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जाए ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब ये मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो चलिए ज्योमेट्री में किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर एम एक बिंदु है, एक त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी इस प्रकार से है, ए बी सी ये लिख दी, ए बी सी की भुजा ए बी पर एम एक बिंदु है, मान लेते ये एम एक बिंदु है, एम एक बिंदु है इस प्रकार से स्थित है कि ए एम फिर बी एम फिर उसके बाद सी एम, ये तीनों बराबर है, ए एम बी एम और सी एम ये तीनों बराबर, इसका मान लेते कलर चेंज कर, ए एम बी एम और सी एम ये तीनों क्या बराबर आपस में। फिर बोला जा रहा है ये मतलब दो एंगल जो है ना ये आपको दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी क्रमशः एक्स और 70 डिग्री है, कोण ए ये एक्स डिग्री दिया गया है और कोण बी 70 डिग्री दिया गया है, तो फिर मान निकालना, जब ये और ये बराबर है, ये भी ये बराबर, तो ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, अभी हम लोग बना रहे थे थोड़ा उड़ गया इसको, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी बनाया हुआ ये सही बनाया है, तो देखिए अभी हम लोग ट्रायंगल बना रहे थे तो बोले थे कि 70 डिग्री यानी ये वाला 70 डिग्री और ये वाला 70 डिग्री बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, 70 70 140 हो गया, अब बचा कितना 140, 70 70 140, तो इस तरबूज के सम्मुख बाएं कोनों का योग कितना होता है, 140 हो गया, अब 140 हो गया,
सत्तर सत्तर 140 हो गया। आप बता कि 180 पूर्ण के लिए यहाँ पे एक 20 डिग्री देना पड़ेगा और यहाँ पे 20 डिग्री देना पड़ेगा, 20 बीस 40 180 हो जाएगा। इसका मतलब जो बोल रहा था एंगल ए का मान कितना निकल गया, 20 डिग्री, कितना निकल गया 20 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर देना है 3x, 3x प्लस 25 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 20 60 प्लस 25 यानी 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में किस तरह से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 41 में जिसे 6/7 है, 6/7 इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 85% पे आएगा। 6/7 जो है ये 85% के लगभग बराबर है। और 2 होल 3/5, ये 3/5 होता है 60%, लेकिन 2 गुना 3/5 है तो ये 120 हो गया, कितना हो गया 120%। उसी तरह से 3 प्लस 3/8 हो गया 40%, 3/8 क्या हो गया 40%। और 2 होल 8/15 हो गया, 8/15 मतलब 15 का आधा 8 है, लगभग मतलब 50%, 50 गुना तो ये 100% हो गया, तो ये 100% हो गया, 40% हो गया, 120 हो गया, ये 85% हो गया। तो यहाँ बोला जा रहा था मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर, तो ये मैक्सिमम हो गया 2 पूर्णांक 3/5 और 3/8 मिनिमम हो गया, तो आप 5 × 10 = 13, 13/5 और 3/8 ये दोनों को प्लस कर देना है। सॉल्व करने के बाद 2 पूर्णांक 37/40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन भी है, दो संख्या का अनुपात 3:5, इसका एलसीएम 630 दिया गया, एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करें, तो एलसीएम 7 * 3 = 21, 21 एक्स हो गया इजिकल टू 630 हो गया, 21 के टेबल में 63 = 70, 7 * 3 = 21 और एलसीएम 630 दिया गया है, 21 * 3 = 63 हो गया, यानी एक्स का मान कितना हो गया 30 हो गया, यानी एचसीएफ 30 हो गया, एचसीएफ 30 हो गया और एलसीएम कितना है तो 630 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 660 हो जाएगा एलसीएम 660, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला जा रहा है कि एक किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240, इसका कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा 30 सेंटीमीटर, कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा 30 सेंटीमीटर दे दिया, मान लेते ये 30 भुजा सेंटीमीटर दिया गया, तब हम लोग क्या जानते हैं 1/2 base × height, 1/2 base × height, बेस 30 दिया गया और हाइट नहीं मालूम है, लेकिन ये एरिया दे दिया है 240, एरिया 240, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल जाएगा 16, हाइट निकल जाएगा 16, मान लेते ये 16 हो गया, ये 30 हो गया है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 और 16 का स्क्वायर 256, तो 9 × 2 = 11, 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेनस 34 हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है परिमाप निकालने के लिए, 16, 30 और 34 को एड करेंगे पेरीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 6 × 4 = 10, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका 80 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है कि 10% वार्षिक दर से निवेश, दस प्रतिशत वार्षिक दर से धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो उसी राशि पर इतना दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो देखिए इसको हम बनाए थे यहाँ पे, हाँ तो 10% का 2% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 21%, 10 × 20 और 21 हो गया, तो 21% होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मिश्रधन दिया गया, हो जाती है यानी 121% का वैल्यू 3267 है। अब बोला जा रहा है उसी राशि पर 2.5 वर्ष में कितना साधारण वर्ष हो जाएगा, यानी एनुअली रूप से तो इतना हो गया, अब 2.5% की दर से तो 2 वर्ष आधा महीना यानी 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो जब 2.5 वर्ष हो जाता है रेट को, तो 10 हो गया, रेट था 10 और 2.5 मतलब हो गया 5/2, इसको 2 से भाग देंगे 25%, यानी 25% का वैल्यू निकालना है, 1% का वैल्यू 27 हो गया, तो 25% का वैल्यू 675, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 से लेके 500 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 5, 7 से भाग लगी हुई,
पांच सती 3 5 15 15 सती 105, यानी 105 का मल्टीपल देख लेना, 105 हो गया, फिर 210 हो गया, फिर हो गया 300, 105 210 न तो 3 5 15 लिख देना, फिर 315 हो गया, फिर 420 हो गया, सब में 105 जोड़ते जाना, तो के हो गया 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी का 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, 46 में बोला जा रहा है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार तिर्यक रेखा एक ही ओर है, 2x + 5 15 और 3x - 20 4x + 6 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से ये लाइन देना है, यानी दो समांतर रेखाएं जो एक ही ओर, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, मतलब ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, ये 2x + 15 बन रहा है, एक 3x - 20 बन रहा है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो 3x + 2x तो ये 5x हो गया, और ये 20 में 15 गया तो -5 = 180 हो गया, 5x = 180 हो गया, x = 37 हो गया, 37 5 जा क्या इतना होता है तो 185 होता है, और x का मान 17 हो गया होने के बाद अब यहाँ पे x का मान 17 हो गया, अब y का भी मान, x का मान 17 है, सॉरी 37, एक्स का मान 37 हो गया, 4 × 37 करना, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है 4 × 37 + 6, 4 × 37 + 6 करेंगे तो 154 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान हिंदी अंग्रेजी ये सब सब्जेक्ट लिया गया है, फिर उसके बाद अंकों का क्रमशः 90 80 65 75 50 डिग्री केंद्र कोनों वाला एक त्रिज्यखंड के रूप में निरूपित करता है, उस विद्यार्थी द्वारा कुल प्राप्तांक 540 है, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात करें, तो यानी पाई चार्ट जो होता है 360 डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन कुल अंक कितना 540 है, 360 डिग्री बराबर 540, लेकिन अब गणित और विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में अंतर बोला, गणित में कितना नंबर लाया 90 नंबर और अंग्रेजी में 50 नंबर, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 40 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर 540, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री वैल्यू निकाल देना है 60 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री का 9 से भाग दे दिए दोनों तरफ, 9 से भाग देंगे, 9 × 36 40 हो गया, इधर भी 9 × 54 यानी 40 डिग्री का और 60 डिग्री आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया, 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन आकलन के अर्थ को नहीं समझाता, आकलन के अर्थ को नहीं समझाता, यह विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है, यही नहीं समझाता, वेन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में ज्यामितीय सोच के आरोही स्तर में व्यवस्थित करें, तो वेन हेले का ज्यामितीय सिद्धांत क्या था, तो पहले नंबर में ज्यामितीय आकृति जैसी है वैसी ही रूप में पहचाना हुई, तो 1 नंबर हो गया, फिर ज्यामितीय विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करना, ये वर्गीकरण करेगा तो 2 नंबर हो जाएगा, फिर बोला ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध रखना, सॉरी तो 4 नंबर में हो जाएगा, ज्यामितीय आकृति के गुणों की पहचान करना, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, तो 1D, फिर उसके बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण आर एस और क्यू एस परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पी x + 7 है और ओ क्यू इजिकल टू x - x + 7 है, ओ आर इजिकल टू 20 ओ एस इजिकल टू 16, तो 7y + 5 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे बनाना है, ये पी क्यू आर एस मतलब ये ट्रेंगल बना दिया गया, एक्स प्लस सेवन यहाँ पे लिख देना सबका वैल्यू, यहाँ पे जो जो दिया गया ओ क्यू, ओ क्यू इजिकल टू एक्स प्लस वाई, फिर ओ आर, ओ आर इजिकल टू 20 हो गया, ओ एस इजिकल टू ओ एस, ओ एस इजिकल टू 16 हो गया, सबका वैल्यू रख देना,
अब एक्स प्लस सेवन जो है 20, ये वाला सेट के विकर्ण के बराबर होता है, एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 13 हो गया। अब फिर यहाँ पे बोला जा रहा था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 16, ये विकर्ण और ये विकर्ण के बराबर होगा एक्स प्लस वाई, इसको मिटा देते हैं, एक्स प्लस वाई जो होगा 16 के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, एक्स का मान 13 हो गया तो वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस यहाँ पे वाई का मान 3 गुना 7 21 प्लस 5 26 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 995 में कौन सी संख्या न्यूनतम एक्स जोड़ी जाए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या बना दी, और 3x प्लस 2 का मान ज्ञात करें। 955 में कौन से जोड़ी जाए, तो 955 के नजदीक में कौन सा स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, 961 होता है 31 का स्क्वायर, तो 961, 961 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 955 में क्या जोड़ना पड़ेगा 61 हो जाए, तो एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा 6 पुट करना पड़ेगा, एक्स का मान 6 पुट कर देंगे तो यहाँ पे रखना एक्स का मान 6, 6 3 18 प्लस 2, 18 2 क्या हो गया 20, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ट्रायंगल को इस यहाँ पे बनाया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी ए बी ए डी पर ए बी पर एक डी इस प्रकार एक बिंदु है कि सी डी ए सी बी को समद्विभाजित करती है, यदि कोण एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री है, एंगल ए का मान 50 डिग्री है, फिर एंगल बी का मान 70 डिग्री है, तो ए डी सी का मान, ए डी सी का मान ज्ञात करें, 50 ही 70 है, 7 5 12 कितना हो गया है, 7 5 12 120 हो गया, बचा कितना 60, ये वाला एंगल 60 बचा, जब 60 बच गया तो आधा इधर 30 होगा आधा इधर 30 होगा, तो ये 30 50 कितना हो गया 30 50 80 हो गया, अब बच गया रिमाइंडर कितना 100 कोण बच गया, तो ए डी सी एंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी 100 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से प्रकरण सम्मिलित किए गए हैं, तो सम्मिलित किए गए हैं या उच्च प्राथमिक स्तर पे बोला जा रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं किए गए हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं शामिल किया गया, क्योंकि ये जो है उच्चतम सबसे हायर, क्योंकि ये 11 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, 11 क्लास में उच्च प्राथमिक स्तर पे बोला जा रहा है, इसलिए यही नहीं होगा, और सब तो ये सब पढ़ाया ही जाता है क्लास 8 के क्लास में, अभिन्न तो पहले ही क्लास में पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन में बोला एक चतुर्भुज एबीसीडी 120 सेंटीमीटर है, बीसी 48 सेंटीमीटर, सीडी 17 है, एडी 40 है, एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एबीसीडी का मान ज्ञात करें, एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एबीसीडी फिगर बना देना इस तरह से, ए बी सब का वैल्यू 48 दे दिया, इसका वैल्यू 48 दिया गया, सीडी का वैल्यू 17 दिया गया, यहाँ से यहाँ तक 17 दिया गया, एडी एडी का वैल्यू 40 दिया गया, एडी 40 दे दिए, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का बना दिए, ये सब बना दी, उसके बाद देखिए ये 48 है तो ये भी 48 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, लेकिन सॉरी यहाँ पे ये 15 डिग्री निकालना पड़ेगा, 40 17 और 48 को जोड़ेंगे, 40 48 को जोड़ेंगे और परिमाप, यहाँ जो परिमाप दिए 120, 120 में सबको तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे ये भी 15 आ जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, अरे ये बगल में 2 हो जाएगा, 15 2 17 जाएगा, यानी इसका जब हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 660 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन में 55 में, निम्नलिखित में गणित में उत्पत्तियां के संबंध में कौन सबसे कम उपयुक्त है, उत्पत्ति का निर्माण अंतर्देश में ज्ञान पर होता है ना कि दर के आधार पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। निम्नलिखित में रचनात्मक का संकेत नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जो है रचनात्मक का संकेत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, विद्यार्थी के विभिन्न संदर्भ में अभिसारी चिंतन का प्रयोग हो, यहाँ अभिसारी चिंतन नहीं, अगर आप सारी चिंतन होता तब तो ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ अभिसारी लिखते हैं इसलिए गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सही। ये तो ऑप्शन सी बना लेना था, एक अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है और 8 वर्ष पहले अरुण से 5/6 वर्ष और वरुण से 3/5 वर्ष 6 वर्ष से अधिक है, यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है तो x का समीकरण ज्ञात करें, यहाँ बोला कि वरुण अरुण वरुण से 3 वर्ष का बड़ा है, अरुण जो है वरुण से 3 वर्ष का, ये दोनों का अंतर 3 नहीं है, -5 है, इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी -5 है इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये दोनों में अंतर 3 का है,
लेकिन इन दोनों में अंतर 3 का है। लेकिन अब फिर बोला जा रहा है अरुण की आयु 5/6 वर्ष, वरुण 5/6 वर्ष, अरुण की जो आयु 5/6 वर्ष और वरुण की आयु के 3/5 वर्ष 6 वर्ष अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। इसको तो ऑप्शन से ही बना लेना था, सॉल्व करके भी बना सकते हैं। आकलन का कथन के बारे में रूब्रिक का कथन नहीं है, तो रूब्रिक मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, ये गलत है, यानी यही सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है गणित की उत्पत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्तियों का निर्माण अंतर्दृष्टि ज्ञान पर होता है ना कि तर्क के आधार पर। फिर बोला 56 में रचनात्मक संकेत नहीं है, तो रचनात्मक संकेत जो है को नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न संदर्भ में अभिसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं। अब 2 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला जा रहा है एक लंब वृत्ति है, किसको कैसे बनाए, एक लंब वृत्ति बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और यानी एच दिया 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो निम्न में कौन सा बेलन का आयतन की व्याख्या करता है, तो व्याख्या कैसे करेगा। तो पहला वाला अगर निकालेंगे इसका आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर का मान कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, एच का मान 9, 36 × 9 हो गया। और दूसरा नया वाला ओल्ड वाला है, और न्यू वाला अगर आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर त्रिज्या को आधा कर दिया, 6 का आधा कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ऊंचाई 3 बढ़ा दिया जाता है, 9 × 3 = 12 हो गया। अब देखिए अभी ये जो ओल्ड वाला जो था ये न्यू वाला का 1/3 हो गया, मतलब नया आयतन मूल आयतन का, नया आयतन जो है ओल्ड आयतन का 1/3 हो गया, ओल्ड आयतन का 1/3 हो गया न्यू वॉल्यूम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा नया आयतन मूल आयतन का 1/3 गुना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन से, 52 × 3/4 और √41/7 × 3×7 माइनस इतना है, तो देखिए इसमें 3 से पहले 4 से भाग देंगे 52 में, 13, 13 कितना हो गया 39 आ गया, 13 39 हो गया, यहाँ पे 41 यानी 4 से 41 होता है 21/7 × 3, 7 से भाग देंगे 21, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो ये +9 आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया गया, तो अभी हम लोग निकाले तो 39 था, फिर +9 था, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए थे, फिर यहाँ पे +5 भी है, +5 फिर माइनस 8 के टेबल में 32 4 बार में आएगा, 12 × 48 -48, जब इस सबको सोल्व करने के बाद -5 आ जाएगा, सोल्व कर दी 9 9 18, 18 5 18 5 27 की 3 हाथ रेल 2, 3 2 5, 53 में 48 घटा देंगे कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी समझ करेंगे को इस प्रकार का सीटेट टेस्टेड और बीपीएससी 3.0 का हम लोग मैथ सोल्यूशन करेंगे। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। लाइक करें, कमेंट भी कर दे कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं।